बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और खैर खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज, और व्लॉग का आगाज करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज। अच्छा जी, मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान आ रहे हैं वो आपको इसी वीडियो के एंड पे पता चलेगा कि कौन मेहमान आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम शाम का टाइम है, इरादा तो नहीं था उनका आने का, लेकिन उन्होंने कल आना था, तो आज हम बस अपनी मतलब तैयारी वगैरह कर रहे थे। मेहमानों ने कल आना था लेकिन अचानक कॉल आई कि आज ही वो अभी आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम बनाने लगे हैं खाना शाम का। तो खाने में क्या बनाएंगे वो भी अपने बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त प्याज लहसुन जो है ना वो मैं बना लेती हूँ और साथ में अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करूँगी। प्याज अम्मी जी छील के गई हैं और लहसुन जो है ये भी आज बनाएंगे। मुर्गा, देसी मुर्गे का सालन बनाएंगे, देसी मुर्गा बनाएंगे। और क्योंकि अब टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, शाम होने को है, तो साथ में कोई और चीज़ भी बनाएंगे। अम्मी जी छील के गई हैं और अब मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। जी लहसुन और हरी मिर्च को मैंने काटी हुई, लहसुन का लहसुन काटा है और हरी मिर्च को अच्छे से वॉश करके इनको भी काट लेती हूँ। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और मिर्ची में ऐड कर लेती हूँ, और साथ में हरी मिर्ची जो मैंने रखी हुई ये भी इनको भी बारीक बारीक काट के तो ऐड कर रहती हूँ। फिर एक कप पानी जो है इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, मिर्ची मैंने काट के ऐड कर ली हैं और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ एक कप पानी। आग मैंने जला दी है और टाइम भी बहुत कम है। आग मैंने जला दी है और टाइम भी बहुत कम है। अच्छा जी, हांडी मैंने रखी हुई है ऊपर, और उतनी देर जब तक मेरी हांडी तैयार नहीं होती उतनी देर तक मैं जो है ना कर लेती हूँ, मतलब यहाँ पे चीज़ें लगा लेती हूँ, जो सी चीज़ें मुझे चाहिए ना वो लगा लेती हूँ। ये बाहर पड़े हुए थे, इनको अच्छे से वॉश करती हूँ ये गिलास पानी डालने के लिए, और वो जो है यहाँ पर टेबल पर रखती हूँ, और साथ में जग जिसके ऊपर ढक्कन है वो रखती हूँ, जो इस मतलब इन गिलास के साथ जग है ना उनके ऊपर ढक्कन नहीं है, जो इनके साथ है उनके ऊपर ढक्कन है, ढक्कन वाला जग मैं यहाँ पे रखती हूँ। बाकी प्लेटें वगैरह चम्मच सारी चीज़ें जो है ना बाहर निकाल के रखती हूँ। बाकी
फिश, चावलों की डिश। रोटी बस दे हार्ड पार्ट ठीक है या ये दिन आधा छाबा? हार्ड पार्ट ठीक है। तो दूर रोटी बनानी तवी थी? नहीं तंदूर ते नहीं लगनीगा। तवी दे बनाओगे? हाँ जी तवी दे फटाफट रोटी बनाओगे। चलो क्योंकि तंदूर ते देखो मेरे पहले मेरी चल गई। चलो ठीक है तवी दे बना लियो। सो इतने में टोप लिखा हो ना टोप पहनी जख्म वाली मैं ले आवा? नहीं है मैं लगा ली कितने पर मुझे लगा ली। अच्छा अगर पेश ही लाया क्या ऐसी ना मम्मी जी होनी अच्छी तरह ना इन्होंने कपड़ा मोड़ लेंगे। हाँ लोग खुश कर लो यार। नमक है बाकी ग्लास ग्लास चौक पानी वास्ते अलग कर रहे हो कि बासी बोती वास्ते ए वाले ठीक ने? चलो हाँ जी ठीक है बड़ा कुछ पानी वास्ते निकाल रही हूँ। हाँ जी ठीक है पानी वास्ते बस ठीक हो गया। हाँ जी बस जबरदस्त। चाचू तू रात के लिए अलग कर रहे हैं ग्लास ए वाले काट लेने तैयारी कर ली मेरे बेटे ने? अच्छी तरह वाश कर लो तुम तो मैं धारा कर लिया सारिया मतलब कपड़ा भी मार लेने गिलास एक बार धो लेने। ठीक हो गया जी। हाँ जी चलो सही ठीक हो गया। मोहित तैयारी कर ले? हाँ जी मोहित तैयारी कर ले। अच्छा असी करनी असी काम कर ली ना सीधे तैयारी होना ठीक हो गई सेटिंग मतलब जबरदस्त हो गई है क्योंकि मैं कुर्सियां मतलब नहीं जबरदस्त किया बस वो देख लो उसी ते मैं तारा कर लिया। हाँ जी तुसी अपना काम करो ते बाकी फिर मैं कर लूँ। हाँ जी सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रख ली हैं झाड़ पूंछ कर ली है मैंने और इन डिशों में जो है ना वो चावल डालूँगी भाभी कहती है चावल बना रही हैं और हॉट पॉट में रोटियाँ। गोश्त हमारा बॉईल हो चुका है पहले इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और चम्मच लाल मिर्च का पाउडर साथ में हल्दी पाउडर 1 टीस्पून गरम मिर्च धनिया और सीरम सारा में लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी मिर्च अच्छा जी अब्बास गए थे बाजार तो ये कुछ चीज़ें लेके आए थे मेहमानों के लिए गिनने वाली थी अभी बाइक और कुछ चीज़ें इधर हैं पिक कैसे। अच्छा अभी समान आ गया मेहमान मेरे वास्ते में दिया है। सेब नहीं पूरे मजे से मिले मेरे पसंद सेब छोटे मिले है अजकल सीजन कोई नहीं सेब का रह गया लेकिन मैं चौंक के पार्क लेके यहाँ बैठी थी लेकिन यही अच्छा तो अच्छे यही सी बस जड़े मिले बस ठीक है मैं कर सकता है प्रभूज आप सोने में लेके आए लेकिन सोने मिले है अच्छा मैं रखनी हूँ फ्रिज। हाँ जी बनाओ बनाओ रोटियां जल्दी करो मेहमान ने भूख लगी हुई है तो दूर से पकानी सी ना तो
ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਸਰੂਮ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀਏ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਜਾਣਾ नहीं अपना घर है जो दिल करे उसो ये लाज भी तेरी कल लाज भी कल होना उन्होंने अच्छा जी मैं अवैश्ते भाभी रोटियां पका रही हूं ते अम्मी जी सालन पापा दे रही है भाई आवास रखन दे मेथी दा लगा रहे हैं जी हां जी पानी दा जग की का ना दो बोतलें है वैसे रख दो चलो है बजीरम ने कहा दो बोतलें पी लेनी है रहन दे पानी हां जी रहन दो बस दो तीन बोतलें पईयां वो बड़ा अच्छा जी खरबूजे सेब एच कच्ची दा मैनू अपनी पक्की पक्की ती बना लो फिर रोई रोवे पिटे जो मर्जी हो मैं स्कूल भी भेजनी है तो फिर मैं कहना मैं ही तेरी मम्मा वा ते मामू तेरा पप्पा वा ठीक है अबू जी ने पूछ लो इजाजत ला लो अपनी मम्मा पापा को भी ला लो दादी दादे को भी ला लो फिर पैकिंग कर लो बच्चे मन के सच्चे चावल लो सैटिंग कर लेना जो भुख लगी है ना सैटिंग अभी आप ही कर लें हाँ जी रोटी लियाओ तो मेहमान मैं कहनी हाँ आ जाओ मैं मेहमान करके कहनी आ जाओ खाना खा लीए मैं जुजमेंट ठाल के लैके आवा पपीर मैं लैके आओ मामू अली ने आ जाओ खाना खाइए आ जाओ खाना खाइए जुजमा ठाल के लैके आवा आ जाओ चल आ जा फिर कहनी मैं खुद आऊँगी मैं मुश्किल ਨੇ ਅਬੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਧਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮਜੀਰਮ ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗਸੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਢੋਲਕੀ ਕਿੰਨੀ ਸਣੀ ਆ अम्मी जी बाहर खाना देने लगे अम्मा बाहर देने लगे खाना अच्छा जी वीडियो कॉल हम यहीं पे करते हैं खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है वीडियो कॉल हम यहीं पे करते हैं थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा हमें दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।